नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक शख्सियत बैठी है, या यूं कहेंगे कि एक ऐसा टैलेंट, उभरता हुआ टैलेंट बैठा है, जिससे बात करके आपको लगेगा कि वाकई में रातों रात कुछ नहीं होता। बहुत कुछ हासिल करने के लिए हमें बहुत कुछ पहले लगाना पड़ता है, और कैसे उस बुलंदी तक पहुँचने की जो कोशिश है उससे होकर गुजरा जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अहद अहमद, और आप एशियन कप के लिए सेलेक्ट हुए हैं जो अभी गेम्स होने वाले हैं कजाकिस्तान में। अंडर 19 और 65 किलो भार वर्ग में इनका चयन हुआ है और पूरे भारतवर्ष को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से ये पूरा सिलसिला जो है वो चल पड़ा था और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई थी? स्टार्टिंग मेरी शुरुआत हुई थी, मैं 11th ईयर का था तब से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तब मेरे सर फादर ने मेरे को स्टार्टिंग करवाई थी जब मैं 6th ईयर का हो गया था। तो स्कूल के अंदर कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं उनको देख के हुआ था। फिर पापा ने मेरे को बताया कि मैं भी प्लेयर था। पापा मेरे खुद प्लेयर ही हैं। रफीक मोहम्मद उनका नाम है। और ज़िंदगी के अंदर मेरी जो लाइफ है पूरी, तो सबसे ज़्यादा संघर्ष मेरे पापा ने किया है। आज तक जो बना हूँ मैं पापा की वजह से बना हूँ। और साथ में जो हमारा जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, स्वरूप सागर अखाड़ा है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉल, वहाँ पे हमारे महेंद्र राजौरा सर, हरीश जी राजौरा सर, हिमांशु राजौरा सर, उनकी बहुत बड़ी उनका आशीर्वाद है मेरे पे। तो आज उन्हीं की वजह से मैं इतनी बड़ी उपलब्धि पे पहुँच पाया हूँ। उन्हीं के उनको मैं सादर प्रणाम हर वक्त मैं उनका ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी, मेरे माता, सबसे और मेरी माताजी, मेरी जो माँ है, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया हर वक्त। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को डेंगू बीमारी हो गई थी, तो उसके अंदर हर रातों 3 से 4 रात तो 1 वीक हो गया था, तो हर वक्त मेरे पास के पास चेकअप के लिए हर वक्त। तो उन्होंने, मैं सबका ये बयान कहना चाहूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाम तक लाने के लिए। माँ का समर्पण दिखता नहीं है पर होता बहुत है, है ना। यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने बताया गुरु आपके पिता भी रहे हैं और साथ में कुश्ती के और भी आपके गुरु रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से इसकी तैयारी आपने शुरू की और क्या प्रोसेस पूरा रहा, कैसे, मतलब पूरा रूटीन एक बार बताइए। रूटीन ये रहता था मैम, जब मैं स्टार्टिंग, जब 6 ईयर की मेरी एज थी, तो मेरे को शाम को फादर मेरे घर सेक्टर 9 सवीना से अखाड़े की तरफ लेके आते थे। मैंने मिनिमम 1 साल 2 साल के अंदर मैंने प्रिपरेशन नहीं हुई थी। मैं फर्स्ट कंपटीशन प्ले किया था मैंने 2014 के अंदर रेसलिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब मैं लॉस हो गया था। सेकंड में वापस किया तो मैं तब लॉस हो गया था। थर्ड जो कंपटीशन में स्कूल गेम में प्ले किया था, तब मेरा विनिंग वहाँ पे गोल्ड मेडल रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल रहा था और नेशनल क्वालिफाई हो गया था मैं। नेशनल के अंदर मैं लॉस हो गया था थर्ड फाइट के अंदर। ये उसके अलावा मैं आज तक मैं अभी खेल चुका हूँ 2 इंटरनेशनल ओवर पहले खेल चुका हूँ, और आज तक मैं 16 नेशनल्स खेल चुका हूँ। कहाँ कहाँ जा चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक ऑल ओवर इंडिया तो खेल चुका हूँ। कौन सी क्लास में हो? सर अभी 12th में हूँ मैं। अभी आप 12th में हैं। स्कूल का आपके जो खेल के प्रति डेडिकेशन है, क्या नजरिया है उनका, क्या है? ऑब्वियसली सपोर्ट तो करते होंगे आप उनके लिए, इतना ये तो बहुत गर्व की बात है। क्या रहता है स्कूल का पूरा, क्या रहता है सपोर्ट? मेरे स्कूल से सब सपोर्टिव ही है, सब अच्छे से सपोर्टिव है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर से, तो स्कूल वाले टीचर्स मेरी हैं, शेरवानू मैम है, आशा मैम है, बाकी अदर सारे टीचर्स हैं, उनका बहुत सपोर्टिव भी है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल चेतन पानेरी सर का भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, और मेरे विद्यालय के सारे पीटीआई का मेरे साथ बहुत समर्पित करते हैं। मेरे एक हमारे प्रांजल जी सर हैं, एथलीट कोच हैं, वो मेरी अगर स्ट्रेंथ हुआ, वेट ट्रेनिंग हुई, तो वो ही करवाते हैं। और महेंद्र राज जी राजौरा हैं, वो मेरे स्वरूप सागर अखाड़े पे, हरीश जी राजौरा हैं, वो मेरे को ले प्रैक्टिस कराते हैं। और खेलगांव के अंदर जो सेंटर है महाराणा प्रताप खेलगांव सेंटर, तो वहाँ पे हिमांशु जी राजौरा सर मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, जब स्कूल की अपन बात कर ही रहे हैं, तो पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता? कैसे करते हो? मैनेज तो हो जाता है। मॉर्निंग के वक्त में 4 o'clock उठना पड़ता है हमेशा। फादर मेरे साथ ही करते हैं मॉर्निंग फजर, फिर हम उठने के बाद फ्रेश हुए, फिर नमाज होती है, सबसे पहले हमें फजर की नमाज में पढ़ के, फिर पापा मेरे को 5 किलोमीटर मॉर्निंग एवरी डे, सर्दी हो या गर्मी, बारिश होगी तो भी हमें रनिंग पे जाना ही जाना है। रनिंग के बाद होता है फिर घर पे थोड़ी मैट लगी हुई है, पापा के साथ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद फिर फ्री होके
फिर मम्मी हमें वो ब्रेकफास्ट रेडी, डाइट रेडी होती है, फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद 2 बजे फिर घर पे आके 3 to 4 रेस्ट हुआ, फिर 4:30 हम प्रैक्टिस पे निकल जाता हूँ। 4:30 से मैं 5 o'clock अखाड़े में स्वरूप सागर पहुँचता हूँ। उसके बाद 8 बजे तक मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर 9 बजे तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। दंगल फिल्म में देखा था, उसमें भी फादर जो थे वो कोच की भूमिका में भी थे, तो ऐसी फीलिंग आई है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है तू? नहीं, मैं मेरे साथ तो नहीं, कभी कभी लगा था कि पापा ये क्या कर रहे हैं, पर उनकी उनकी वजह से मैं आज जहाँ मुकाम पे होना वो अब लगता है। क्योंकि एक बता सकते, पिता जो होता है ना मैम, वो एक सपोर्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, बॉडी का पूरा सपोर्ट होता है वो। और इसके अलावा मेरे स्पाइनल को मेरे पापा मम्मी दोनों हैं कि उन्होंने, माँ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया है। आज तक जो कह रहा हूँ ना मैं जहाँ जा रहा हूँ उन्हीं की वजह से जा रहा हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ अगर वहाँ से मेडल लेके आऊँगा ना, तो मैं मेरे सबसे पहले मम्मी पापा से मैं मिलना चाहूँगा इंडिया के अंदर आते ही। आज का जो दौर है ना, अगर क्योंकि आप भी 12th में पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो पढ़ाई पर बहुत फोकस करते हैं। लगता है कि मतलब यही एक कहीं एक रेस में बच्चा दौड़ रहा है हर कोई, कि यहाँ ये कर लें, ये एग्ज़ाम फाइट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। खेलों के प्रति रुझान और पढ़ाई दोनों को कैसे देखते हो आप? मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है एक फिजिकली या मेंटली दोनों को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर बंदा फिजिकली अगर ठीक है, कंप्लीट है, मेंटली भी अगर कंप्लीट हुआ तो पढ़ाई और उससे अच्छी होगी। मेंटली प्रिपेयर्ड है वो बंदा तो वो पढ़ाई के अंदर भी प्रिपेयर्ड हो पाएगा ना। अगर वो लेजी है, बॉडी के अंदर कोई जान है नहीं, तो वो करेगा कैसे? माइंड लेजी रहेगा तो इससे फिजिकल भी परफेक्ट, मेंटली भी परफेक्ट, तो उससे पढ़ाई के अंदर हमें ये फायदा, बेटर ही होता है। अच्छा, आगे अभी आप जाने वाले हो, तो अभी क्या तैयारी है और किस तरह से इस कंपटीशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो गेम है एशिया का होने वाला है कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर, 27 to 1 दिसंबर तक होगा ये। हमारी यहाँ से फ्लाइट होगी 12:00, तो हम यहाँ से दिल्ली से, तो हम यहाँ ये कुश्ती है कजाकिस्तानी कुश्ती है कजाक कुरेश। इसके अंदर मैं पहले अभी फरवरी के 14 अप्रैल को कुश्ती इसका कंपटीशन हुआ था उदयपुर के अंदर स्टेट लेवल, सीनियर लेवल के अंदर 55 kg में मेरा गोल्ड रहा था उसके अंदर। और नेशनल पंजाब LPU के अंदर मैं गया था जालंधर में, वहाँ पे मैं सेकंड सेमीफाइनल में वहाँ पे लॉस हो गया था। तो अभी ये पूरा आपका रहेगा, पहली बार शायद बाहर नेपाल के अलावा अब आप जा रहे हैं वापस, घबराहट है मन में? घबराहट थोड़ी बहुत घबराहट है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंट तो है। क्योंकि बहुत बड़ी बात यह है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, स्कूल को रिप्रेजेंट हो गया, खुद के लिए खेल लिए, राजस्थान के लिए खेल लिए, उदयपुर के लिए भी खेल लिए, पर अब रिप्रेजेंट इंडिया की बात आती है ना तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाता है। कितना अपने आप पर गर्व महसूस? मैम गर्व तो बहुत महसूस करते हैं हम, दिली दिल में बहुत है। चलिए, हमको भी आपके ऊपर बहुत गर्व है और बहुत हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, पूरे भारतवर्ष से शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहद अहमद, और आप जा रहे हैं कजाकिस्तान कुश्ती के लिए। और ये देखिए, आपकी एक 12वीं में पढ़ता बच्चा जो है कई सुनहरे सपने लेकर स्पोर्ट्स को लेकर के भारत का नाम रोशन करने चला है। तो देखते हैं आगे कि किस तरह से अहद अहमद अपनी इस पूरी जो जर्नी है उसको कितना अच्छे से आगे कैरी कर पाते हैं, और क्या वहां से जो भी हो, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि आप जीते हारे लेकिन अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रखिएगा और दूसरों के लिए मिसाल बनिएगा। थैंक यू।